दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर आप WWE के मुतालिक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करें, उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए है। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू TV। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं एम हदीद का। इनका क्वेश्चन है कि आप WWE कब से देख रहे हो? तो भाई, वैसे तो मैं WWE 2014 से देख रहा हूँ, लेकिन रेगुलरली 2017 से शुरू किया, और उसके बाद से अब तक WWE का शायद ही कोई ऐसा शो होगा जो मैंने नहीं देखा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है इमरान अहमद ने, और इनका क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हो, पाकिस्तान या इंडिया? तो भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में ही रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद रोहेल का, और इनका क्वेश्चन है विच ब्रांड इज योर फेवरेट, रॉ और स्मैकडाउन? तो यार, इस वक्त मेरा फेवरेट ब्रांड है स्मैकडाउन। वैसे रॉ भी आजकल अच्छा होता है, लेकिन स्मैकडाउन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मोइज दीवान का, और इनका क्वेश्चन है कि डोमिनो मिस्टीरियो पहले से ही क्या रेसलिंग में आना चाहते थे? तो मेरे ख्याल में इसका आंसर है यस, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो जब पहली बार 2019 में रे मिस्टीरियो के साथ आए थे, तो रे मिस्टीरियो ने कहा था कि डोमिनिक मेरे फुटस्टेप्स पर चलना चाहता है और एक रेसलर बनना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है एना इकबाल ने, और इनका क्वेश्चन है डू यू लाइक रेसलिंग और क्रिकेट? तो इसका आंसर है कि मैं रेसलिंग और क्रिकेट दोनों ही बहुत शौक से देखता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं एनीथिंग ब्रो का, और एनीथिंग ब्रो पूछते हैं कि हु इज द बेस्ट WWE रेसलर ऑफ 2020? तो मेरे ख्याल में 2020 का बेस्ट रेसलर है ड्रू मैकइंटायर। इसके बाद इन्होंने पूछा है हु शुड बी नेक्स्ट WWE चैंपियन? तो मेरे ख्याल में अगला WWE चैंपियन रैंडी ओर्टन को बनना चाहिए, क्योंकि 2020 में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और अगर वो चैंपियन बन जाएं तो उनके सेगमेंट्स देखने का मजा दुगना हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है हु इज योर फेवरेट रेसलर ऑफ WWE? प्लीज आप मेरा क्वेश्चन ले लो, मैं आपकी वीडियो आपके चैनल के शुरू होने से देख रहा हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, लाइक किया है। तो भाई, बहुत शुक्रिया अगर लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। तो मेरा इस वक्त WWE में फेवरेट रेसलर है रोमन रेंज। इसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है कि आप वीकली WWE शोज का रिव्यू कब बनाओगे? तो यार, मेरे ख्याल में इस वक्त तो WWE शोज का रिव्यू बनाना इतना बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह 50K सब्सक्राइबर्स के बाद रिव्यू बनाना स्टार्ट करूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है रेयान बट ने, और इनका क्वेश्चन है कि ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप कब हारेगा, और रोमन रेंज कब हारेगा, और किससे हारेगा? तो भाई, मेरे ख्याल में ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप 2021 से पहले ही हार जाएंगे, और इस वक्त इनकी फ्यूड रैंडी ओर्टन के साथ चल रही है, और ज्यादा चांसेस हैं कि ड्रू मैकइंटायर रैंडी ओर्टन से ही WWE चैंपियनशिप हारेंगे। और अगर बात करें रोमन रेंज की, तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज 2021 से पहले चैंपियनशिप हारेंगे, और जनवरी में ही रॉयल रंबल मैच हो जाएगा, और जो रेसलर रॉयल रंबल जीता, अगर उसने रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया, तो इनकी फ्यूड रेसलमेनिया तक तो जरूर जाएगी। यानी ओवरऑल मेरे ख्याल में रोमन रेंज अगले साल रेसलमेनिया से पहले तो चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। और अगर बात करें कि किससे हारेंगे, तो ये तो वक्त ही बताएगा, मगर रोमन रेंज किसी छोटे रेसलर से तो नहीं हारने वाले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है एंटरटेनमेंट गोज ऑन ने, और इन्होंने पूछा है कि भाई आपकी एज क्या है, लव यू भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और इस वक्त मेरी एज है 18 साल। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जफर खान का, और इनका क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट रेसलर? तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त तो मेरा फेवरेट रेसलर है रोमन रेंज, लेकिन अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो उनमें आते हैं अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना, रैंडी ओर्टन, रोमन रेंज और मुस्तफा अली। अगला क्वेश्चन लेते हैं सैफ अजहर का, इन्होंने रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला है रैंडी ओर्टन और कीथ ली, तो इसमें से मैं पिक करूंगा रैंडी ओर्टन को। उसके बाद रॉक और रोमन रेंज, तो एज अ रेसलर मुझे रोमन रेंज ज्यादा पसंद है। इसके बाद फीड और डीमन फिन बैलर, तो इनमें से मैं पिक करूंगा द फीड को। उसके बाद है जॉन सीना और मुस्तफा अली। ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही WWE के बेबी फेसेस रेसलर हैं, लेकिन मैं पिक करूंगा जॉन सीना को। और इसके बाद है द रिवाइवल और द न्यू डे, तो इनमें से मेरी पिक है न्यू डे। और आखिर में है रेट्रीब्यूशन और नेक्सस, तो इनमें से मैं फिलहाल पिक करूंगा नेक्सस को, क्योंकि रेट्रीब्यूशन की अभी स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई, और आगे ये देखना बाकी है कि WWE रेट्रीब्यूशन के साथ क्या करती है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं गेमर्स पार्टी का, और इनका क्वेश्चन है कि भाई WWE क्राउड कब आएगा। तो इसका आंसर है कि 31 अक्टूबर को WWE का थंडर डोम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जहां पर स्क्रीन्स के जरिए फैंस शो देखते हैं, और इसके बाद WWE परफॉर्मेंस सेंटर में तो वापस नहीं जाने वाली। इसलिए WWE का प्लान है कि आउटडोर इवेंट करवाए जाएं, यानी खुले आसमान के नीचे WWE शोज होंगे और रियल फैंस के साथ होंगे, यानी नवंबर में WWE क्राउड वापस आता दिखाई देगा। इसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है कि रायबैक का रिटर्न हो सकता है, प्लीज आंसर। तो भाई मेरे ख्याल में अब रायबैक कभी भी WWE में वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी WWE के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। और अगर आप उनका ये ट्वीट देखें जो कि आज से करीब 2-3 दिन पहले का है, इसमें रायबैक कह रहे हैं कि WWE और विंस मैकमैन के खिलाफ ट्रेडमार्क केस शुरू हो गया है जो कि 20 महीनों तक चल सकता है, और उन्होंने भी इसे ऐसे ही नहीं जाने दिया, और मुझे बहुत मजा आएगा हर स्टेप पर उन्हें मारने में, और मैं ये जीतूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कंपनी से हमेशा बाहर रहूं। दोस्तों इससे साफ जाहिर है कि रायबैक WWE में वापस नहीं आना चाहते। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं ब्लॉच न्याजी न्याजी का, और इनका क्वेश्चन है कि बेस्ट हाई फ्लायर रेसलर। तो मेरे ख्याल में बेस्ट हाई फ्लायर रेसलर है रिकोशे, उसके बाद मुस्तफा अली, रे मिस्टीरियो और बाकी रेसलर्स। इसके अलावा इन्होंने रैपिड फायर क्वेश्चंस भी किए हैं। पहला है रॉ और स्मैकडाउन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त मैं स्मैकडाउन के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। अगला है बेस्ट हील ओर्टन और ट्रिपल एच। तो मेरे ख्याल में बेस्ट हील रैंडी ओर्टन ही है। उसके बाद है बेस्ट फेस जॉन सीना और डैनियल। तो एज अ फेस मुझे जॉन सीना ज्यादा अच्छे लगते हैं। और आखिर में है बेस्ट टेक्निकल रेसलर डैनियल ब्रायन और एजे स्टाइल्स। तो मेरे ख्याल में बेस्ट टेक्निकल रेसलर है एजे स्टाइल्स। तो इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं रेसलर चैटर 2 का, और इनका क्वेश्चन है हु विल जॉइन सेथ रोलिंस स्टेबल इन फ्यूचर, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में सेथ रोलिंस फ्यूचर में अकेले ही रेसलिंग करेंगे, और उनका कोई पार्टनर नहीं होगा, और सिंगल रेसलर के तौर पर रेसलिंग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हसन सलामत का, और आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि फेस रिवील कब करोगे, वी आर वेटिंग। तो यार अभी तो चैनल शुरू हुआ है, अभी मैं फेस रिवील नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में जब ये चैनल स्टेबल हो जाएगा ना, तब मैं फेस रिवील करूंगा। यानी मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह 100K सब्सक्राइबर्स पर फेस कैम वाली वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं उर्दू रेसलिंग गोसिप्स का, और इनका क्वेश्चन है विल CM Punk रिटर्न, बाय द वे लव योर वीडियोस। तो यार CM Punk के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार न्यूज आती है कि वो WWE में आ रहे हैं, और कई बार आती है कि वो नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त एक रूमर आ रहा है कि वो रेट्रीब्यूशन के मेंबर या रेट्रीब्यूशन के लीडर की हैसियत से आ सकते हैं। इसके अलावा CM Punk के बारे में कोई अपडेट नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इंशाल्लाह जब अगली बार Q&A करेंगे तो उनका क्वेश्चन जरूर पिक करने की कोशिश करूंगा। और मजीद इन्फॉर्मेटिव रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो की सजेशन जरूर दें।